एक बार निकाल लो। पीछे कर लो, उसने तोड़ोगे नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार। मैं आज आपको एक मशीन दिखाने जा रहा हूँ। ये जो मशीन बनाई गई है, ये हमने काफ़ी लंबे प्रयासों के बाद बनाई है, और इसमें जो जो हमने लगाया है वो सारी डिटेल मैं आपको अभी दे देता हूँ। ये 48 वोल्ट 750 वाट की BLDC मोटर है। ये मिड ड्राइव मोटर हमने जानबूझ के लगाई है। हब मोटर इसमें सक्सेसफुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लगाएंगे तो आप ये निश्चित कर लें कि वो आपकी सक्सेस होगी ही नहीं, ये श्योर है। ये इसका कंट्रोलर है, 48 वोल्ट 750 वाट। पीक पावर जो है इसकी, पीक पावर वो 1.5 किलोवाट तक जाती है। इधर शायद आपको ये बैटरी लेवल दिख रहा होगा, अभी बैटरी फुल चार्ज है। इसका ऑन ऑफ का, और ये रिवर्स फॉरवर्ड मोड के लिए। अभी एक हाथ में फोन है तो मैं ढंग से चला नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने आपको चला के दिखा दी है, वो वैसे ही चलती है। अभी इसका टॉर्क की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमने टीथ लगाया है वो 50 टीथ स्प्रोकेट है, यानी कि 50 टीथ का स्प्रोकेट है। और ये वाला जो बनाया है ये खाली जानबूझ के बनाया गया है, ताकि इसके अंदर मिट्टी जाए तो वो वापस निकल जाए। और ये वाले लगाने का कारण ये है कि ताकि ये स्लिप ना मारे। अगर ये नहीं लगाए जाएंगे और डायरेक्ट ही गोल पहिया होगा तो उसमें स्लिप मारेगा, वो पकड़ नहीं बना पाएगा। अगर वो पकड़ ही नहीं बना पाएगा तो फिर वो चलेगा कैसे, पकड़ बनाना ज़रूरी है। इसमें मिट्टी जाती है, वो निकल जाती है। और ये वाली जो है, ये आपको दिख रहा होगा, ये पहले जो है वो पतली लगाई थी, इससे थोड़ी पतली थी, लेकिन वो टूट जाती थी क्योंकि इसमें टॉर्क बहुत ज़्यादा है। अभी टॉर्क बता दूँ, इधर 50 टीथ, इधर 10 टीथ। मोटर के RPM 550, 550 RPM है। इधर यहाँ पर गियर के साथ, ये इंटरनल गियर होता है इसका, तो गियर के साथ यहाँ 550 RPM, और 550 RPM यहाँ जाके लगभग 110 RPM के आसपास बनते हैं। और ये पहिया एक बार के राउंड में लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास चलता है। तो इसकी स्पीड जो है वो लगभग 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा है मैक्सिमम, 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका रेटेड टॉर्क जो है वो 70 न्यूटन मीटर है, 70 न्यूटन मीटर, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। 70 न्यूटन मीटर रेटेड टॉर्क जो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर
पीक टॉर्क जो है वो 140 न्यूटन मीटर है, 140 न्यूटन मीटर। एक बार की चार्जिंग में लगभग 5 घंटे के आसपास चल जाती है। बैटरी कैपेसिटी 48 वोल्ट में 30 AH है, 48 वोल्ट में 30 AH। ये कवर लगाया हुआ है, ये मोटर है। अभी गियर रेशियो सही रखने की वजह से क्या है कि टॉर्क फुल मिलता है और ज़्यादा काफ़ी देर तक चल जाती है, लगभग 5 घंटे चल जाती है। अगर गियर रेशियो सही नहीं होगा तो आप समझ लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट टोटली फेल है, वो चल ही नहीं पाएगा, वो सक्सेस ही नहीं होगा। अब कुछ लोग हम मोटर लगा लेते हैं स्कूटी वाली या बाइक वाली या किसी और चीज़ की, साइकिल वाली, तो वो आप ये समझ लें कि वो चलेगी ही नहीं, वो चल ही नहीं सकती। वो इतनी ज़्यादा गर्म होगी कि वाइंडिंग भी ख़राब हो जाएगी और आपका कंट्रोलर भी जल जाएगा सब कुछ। और इस तरह की मिड ड्राइव मोटर वो भी गियर वाली लगानी पड़ेगी। अगर आप नॉर्मली जैसे ई रिक्शा की मोटर आती है 1000 वाट की, तो अगर वो भी लगा देंगे आप डायरेक्ट तो वो भी नहीं चल सकती, क्योंकि उसके RPM रेटेड RPM बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लगभग 3000, 3200, 3500 इतने RPM मिलेंगे। और इस मोटर के रेटेड RPM 550 हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। उस मोटर के RPM आप कम कर ही नहीं पाएंगे विदाउट गियर के। इस तरह का गियर लगा देंगे तब भी कम नहीं होंगे। ये जो आप चेन लगाया हुआ है यहाँ पर 50 है, यहाँ 10 teeth है, उस पर अगर ऐसा लगाएंगे तब भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर 110 RPM है, अगर आपने 1000 वाट की लगा दी तो यहाँ पर फिर भी आप ये लगा लीजिए कि 600 RPM आ गए। 110 और 600 में तो बहुत अंतर रह गया, बहुत डिफरेंस है। तो इस तरह की गियर मोटर लगानी पड़ेगी तभी इस तरह का प्रोजेक्ट जो सक्सेस होगा। अभी जो है आपको एक बात दिख रहा होगा, हमारे इधर इसको ऐसा ही बोलते हैं, तो ये एक है, यहाँ पर ये 3 भी लग जाते हैं और एक लंबी प्लेट लगा के, एक लंबी एंगल लगा के 5 भी लग जाते हैं। ये 5 पात को इजीली खींच लेती है। ये 2 मशीनें बनाई थी तो मैंने इनकी हेल्प की थी गियर रेशियो में, और कोई भी दिक्कत आई उसको सॉल्व किया। एक ये लगा रखा है, अभी तो गिली मिट्टी है, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता गिली मिट्टी में, क्योंकि ये मिट्टी बार बार इसमें फंस रही है। सूखी मिट्टी में ऐसा नहीं होता, वो स्लिप भी नहीं मारती सूखी मिट्टी में और इजीली चलती है। उसके बाद इसमें एक काम और किया जाता है कि ब्लेड लगाई जाती है। ये हड़ाई है और वो जो होती है ब्लेड लगा के, एक लंबी ब्लेड लगाई जाती है उसको नड़ाई बोलते हैं, तो पूरा नीचे से काटते हुए चलती है, इस तरह से यूं काटते हुए चलेगी। जब वो काटते हुए चलती है तो लगभग 3 फीट जो हम बाड़ी बोते हैं, इसको आप कपास बोलते हैं, तो उसमें लगभग 3 फीट का गैप होता है खुड से खुड का, तो उसमें ये इजीली चल जाएगी जब वो पात लगा के चलाते हैं, वो वाला जो एक ब्लेड होती है वो वाली, उसमें कोई दिक्कत ना थी। वो भी चला के देखा है, और इसी के ऊपर एक और सिस्टम किया हुआ था इन्होंने, वो भी हटा रखा है, लेकिन वो हो जाता है। यहाँ पर लगा के स्प्रे मशीन लगा लेते हैं यहाँ पर, और स्प्रे मशीन से फिर आगे का काम होता है। वो शायद यहाँ पर लगाते हैं, हाँ यहाँ पर लगाई जाती है, वो इन्होंने लगाई भी थी और मैं वीडियो इसमें ऐड भी कर दूँगा। यहाँ पर स्प्रे मशीन लगा के, और फिर क्या है कि स्प्रे भी हो जाती है इसी मशीन से, ये इसको घुमाएगी। और इधर एक लगता है व्हील, बड़ा पहिया लग जाता है एल्यूमिनियम का, और उससे फिर फैन बेल्ट से ऊपर एक छोटा होता है, बड़ी पुली नीचे लगती है ऊपर छोटी लगती है, उससे फिर काम हो जाता है, इजीली स्प्रे करती है। जितना प्रेशर एक ट्रैक्टर बनाता है लगभग उतना ही प्रेशर ये बना लेती है इजीली। आप पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये गियर रेशियो का महत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है, मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ क्योंकि गियर रेशियो अगर सही नहीं रखा आपने तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो टोटली फेल है। अभी ये लगभग 3-4 महीने से चला रहे हैं और इनको कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये अगर ढंग से चलाओगे तो सालों साल चलेगी, और अगर ढंग से नहीं चलाओगे तो एक दिन में ही ख़राब कर लो, चाहे उसका फिर कुछ नहीं कह सकते। जिन्होंने जिनकी ये मशीन है उनका नाम है नवीन।
नवीन डांगी। मैं आपको एड्रेस तो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि इनके पास इतना टाइम तो नहीं है कि आपसे मिल पाएँ, हर किसी से मिल पाएँ, लेकिन इनकी जो मशीन बनाई है वो एकदम परफेक्ट बनाई है। टोटल जितने भी कॉस्ट आई है, खर्चा आया है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। ये किट इन्होंने मेरे से ली, ये बैटरी भी ली थी और मशीन, बाकी का जो आपको दिख रहा है वो इन्होंने खुद बनाया है। इस मशीन का वज़न लगभग 30 से 35 किलो के आसपास है क्योंकि 4.5 किलोवाट की, 4.5 kg की मोटर है और लगभग 7 किलो के आसपास बैटरी है और यूँ टोटल मिला के लगभग 30 से 35 केजी है और ये इजीली चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये दिख रही होगी आपको, गुवारी दिख रही होगी, इसमें भी इन्होंने इसी मशीन से किया, शायद आपको दिख रहा हो। यहाँ पर बरसात हुई थी तो इसलिए ये उतने अच्छे से अभी दिख नहीं रही है काम करते हुए, लेकिन जब सूखा होता है तो बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। इन्होंने 2 मशीनें बना ली हैं और तीसरी अभी बनाने जा रहे हैं, उसका मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे ही वो हो जाएगा वो तीसरी भी बना लेंगे। तो चलो दोस्तों, यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर आप भी इस तरह की मशीन बनाना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि इन्होंने किस किस तरीके से बनाई है, उसी तरीके से बनाइएगा। अगर आप कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर ये कट रखा गया है ताकि चैन यहाँ पर इजीली आ सके, इसको इधर उधर सेट कर सकते हैं। एक हाथ से संभालना थोड़ा मुश्किल है, एक बार चलाना, पीछे की तरफ चलाना। जब रिवर्स करनी हो तो रिवर्स भी हो जाएगी और फॉरवर्ड में चलती है।